अफगान तालिबान ने इसराइल के खिलाफ मजाहमत को फलस्तीनियों का हक करार दे दिया। अफगान वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आज़ादी हासिल करने के लिए मजाहमत फलस्तीनियों का जायज़ हक है। अफगान वजारत खारजा ने मुतालबा किया है कि इस्लामी ममालिक OIC और आलमी बिरादरी बेगुना फलस्तीनियों पर इसराइली फौज का तशद्दुद बंद कराएं। ख्याल रहे कि फलस्तीनी मजामती तंजीम हमास के इसराइल पर हमलों में सीनियर कर्नल फौजी समेत 500 से ज़ायद हलाकत जबकि 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास के मिलिट्री विंग ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अलक्सा तूफान का ऐलान करते हुए 5000 रॉकेट फायर किए। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। गजा से इसराइल पर हजारों रॉकेट हमले हुए। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तेल अबीब समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।